आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मेरी फेवरेट डॉग ब्रीड फ्रेंच मैस्टिफ का इंडिया में क्या प्राइस है, एंड अगर हम फ्रेंच मैस्टिफ को घर में रखते हैं तो हमें महीने का कितना खर्चा आ जाता है, ये इस वीडियो में आप जानेंगे। फ्रेंच मैस्टिफ के प्राइस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको फ्रेंच मैस्टिफ के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि फ्रेंच मैस्टिफ किस टाइप की डॉग ब्रीड है एंड आपके लिए परफेक्ट है भी या फिर नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंच मैस्टिफ एक मीडियम टू लार्ज साइज डॉग ब्रीड होती है, जिसकी हाइट 58 से लेकर 69 सेंटीमीटर तक होती है एंड वेट 55 से लेकर 70 केजी तक होता है। फ्रेंच मैस्टिफ का लाइफ स्पैन 6 से लेकर 8 ईयर्स तक होता है एंड फ्रेंच मैस्टिफ का ओरिजिन फ्रांस है। फ्रेंच मैस्टिफ को डोगो दी बॉर्डरिक्स इस नाम से भी जाना जाता है, बट इंडिया में इस डॉग को फ्रेंच मैस्टिफ के नाम से ही जाना जाता है। फ्रेंच मैस्टिफ एक पावरफुल एंड मस्कुलर डॉग ब्रीड है और इन डॉग्स का बाइट फोर्स 556 PSI होता है, जो कि पिटबुल के 2 गुना से भी ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्रेंच मैस्टिफ कितनी स्ट्रांग एंड पावरफुल डॉग ब्रीड है। कुछ महीने पहले मैंने डोनट, जो कि एक फीमेल फ्रेंच मैस्टिफ डॉग ब्रीड है, उस पर एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे डोनट इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड इंस्टाग्राम पर डोनट के 2 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। फ्रेंच मैस्टिफ को बाकी डॉग से अलग बनाता है उनका क्यूट फेस एंड उनका यूनिक फेस कलर। काफ़ी बार लोग इन डॉग्स का चेहरा देखकर भी डर जाते हैं, बट ये डॉग्स फ्रेंडली होते हैं और काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग्स भी होते हैं, बस उन्हें आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन करवाना होगा। ये डॉग्स शांत स्वभाव के होते हैं एंड ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, पर फ्रेंच मैस्टिफ काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं एंड ये अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना बखूबी जानते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेंच मैस्टिफ एक काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है। अब हम बात करते हैं फ्रेंच मैस्टिफ के प्राइस की। आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड फ्रेंच मैस्टिफ का प्राइस जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, फ्रेंच मैस्टिफ का प्राइस उसके क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल क्वालिटी का फ्रेंच मैस्टिफ खरीदते हो तो उसका प्राइस 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक होगा। अगर आप KCI रजिस्टर हाई क्वालिटी का फ्रेंच मैस्टिफ खरीदते हो तो उसका प्राइस स्टार्ट ही होगा 40,000 रुपीज़ से एंड वो जा सकता है 60,000 रुपीज़ तक। अब हम बात करते हैं मंथली कॉस्ट के बारे में। डॉग पर होने वाला खर्च सबसे ज़्यादा उसके खाने पर होता है। अगर आप उसे स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हो लाइक पेडिगिरी प्रो या फिर रूल्स, तो हर महीने 3 से लेकर 3,500 रुपये तक खर्च होगा उसके खाने पर। वही अगर आप उसे प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हो लाइक रॉयल कैनन, तो हर महीने 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक खर्च होगा उसके खाने पर। उसके बाद वैक्सीनेशन कॉस्ट जो होती है वो सभी डॉग्स के लिए सेम होती है, जो कि 500 रुपये से लेकर 900 रुपये तक होती है। डिवॉर्मिंग कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं, 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक होती है। उसके बाद में ग्रूमिंग कॉस्ट जो होती है 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक होती है, जिसमें ब्रशेस, सोप्स, शैम्पूज एंड कंडीशनर इंक्लूड होते हैं। अगर हम ओवरऑल सभी इसकी टोटल कर ले, अगर आप फ्रेंच मैस्टिफ को स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हो तो 5,000 रुपये से लेकर 5,500 रुपये तक पर मंथ खर्चा आएगा एंड वही अगर आप उसे प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हो तो 6,500 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक खर्चा आएगा। तो ये थी ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रेंच मैस्टिफ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।